Hello friends, welcome again to the world of Maths by MEA. So in the PYQ, I am bringing CHSL 2018 question, and this video mein CAT 2005 ka bhi ek question hai. So this is the first time PYQ has two questions because dono ka concept same hai, similarity. And since हम दो क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द प्रैक्टिस क्वेश्चन. आपके पास CHSL 2018 का क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन. CAT का क्वेश्चन होगा, पॉज करना, सॉल्व करना, एंड डायरेक्टली हम लोग मूव कर जाएंगे होमवर्क क्वेश्चन की तरफ. एंड होमवर्क में आपके पास दो क्वेश्चन है, एक इस कॉन्सेप्ट पे जो आपके सामने है, दूसरा कैट का क्वेश्चन 2005 उस पे होगा. एंड आपको यही करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड आंसर को कमेंट में पोस्ट करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सॉल्यूशन के साथ. तो मैं बोलूंगा पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए. होप आपने पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा. सो दिस वन इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री पे हम लोग बनाते हैं क्या फिगर. एबीसी इज अ ट्रायंगल, सो वी हैव अ ट्रायंगल इज नथिंग बट एबीसी. ओके, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी. डी एंड ई पॉइंट्स ऑन एसी. डी इज ऑन एसी एंड ई इज ऑन एबी, पॉइंट है. फाइंड सच दैट एडीई, द एडीई ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल बी के बराबर है. अगर आपका ये दोनों बराबर होता है, इट मींस इट्स अ केस ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रेटल, बिकॉज यहां थीटा 180 माइनस थीटा यहां दिखेगा तो होगा. और इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ सिमिलैरिटी, बिकॉज एंगल ए तो दोनों में कॉमन है. तो मैं सिमिलैरिटी लिख सकता हूं अगर मुझको लिखना हो ए ई डी के. ए के एंगल को अगर मैं अल्फा मानूं तो ये अल्फा होगा, डी के एंगल को मैं थीटा मानूं तो ये थीटा होगा. एंड एज यू नो हम लोग सिमिलैरिटी लिखते हैं नथिंग बट एंगल वाइज. ए कॉमन है, डी मेरा थीटा है, तो मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ, यहाँ सी लिखता हूँ. एंड जैसे ही आप सिमिलैरिटी लिख देते हो आपके पास रेशियो दिखना स्टार्ट करता है. तो रेशियो क्या है, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ई डी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी. बट देयर इज नो नीड टू राइट द रेशियो, वो बहुत आराम से बिना रेशियो भी एंगल वाइज देख के हम लोग बता सकते हैं. मतलब थीटा के सामने मेरी साइड ए ई है, थीटा के सामने मेरी साइड यही है. तो हम लोग जो इसमें रेशियो देखते हैं, इन द साइक्लिक क्वाड्रेटल, छोटा ट्रायंगल का अपोजिट बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल का अपोजिट बड़ा ट्रायंगल, मतलब ई के सामने ये है तो सी के सामने ये है, बड़ा ट्रायंगल. एंड बेस टू बेस यही दिखता है. तो मैं वैल्यू प्लॉट करता हूं. ए ई इज 8, ए ई 8 दे रहा है मेरा. सी डी इज 3, सी डी मेरा 3 दे रहा है. डी ई, डी ई इज 6, ये मेरा 6 दिया हुआ है. बी ई, बी सी इज 9, तो ये मुझको दिख रहा है बेस टू बेस. बेस टू बेस छोटे ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल का रेशियो 2:3 है. तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. यहां पे देखो छोटे ट्रायंगल में 8 है, 2 को अगर आप 8 बोलोगे तो 3 आपका 12 जाएगा. सो इंटायर एसी आपका 12 होगा. ये 3 है तो ये 9 सेंटीमीटर होगी. एंड दिस वन इज माई आंसर. या यहां पे आप वैल्यूज प्लॉट करके भी सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको बीई निकालनी है तो दो तरीका होता है. वन इज 9 इंटू 12 इन द साइक्लिक क्वाड्रेटल, हम निकाल सकते हैं 9 इंटू 12. साइक्लिक क्वाड्रेटल में होता क्या है, दैट इज 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू इंटायर ए बी. आप इससे निकाल सकते हैं. एंड इससे भी ए बी निकलेगा, सॉल्व करेंगे. या मुझको पता है 2:3 का रेशियो, उससे भी निकाल सकते हैं. तो दिस वन इज अ क्वेश्चन ऑफ सिमिलैरिटी, सीम्स टू बी अ साइक्लिक क्वाड्रेटल. साइक्लिक क्वाड्रेटल में सिमिलैरिटी लगता है. या आपने सिमिलैरिटी लगाया, वैल्यूज पुट किया, सॉल्व किया, या इसके सामने और इसके सामने का रेशियो देखा, बेस का रेशियो देखा, सॉल्व कर दिया. तो आई होप ये क्लियर है. एज ए इजी क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्चुअल था, इसलिए मैंने इसको PYQ में डाला. तो अब हम लोग चलते हैं सिमिलैरिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन इज 2005 सिमिलैरिटी क्वेश्चन. तो आप क्वेश्चन जब आएगा वीडियो पॉज कीजिएगा एंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा. एंड दिस वन इज कैट 2005 सिमिलैरिटी क्वेश्चन. आई से प्लीज पॉज द वीडियो, इसे सॉल्व करो एंड आप आंसर को कमेंट में पोस्ट करो. ओके, सो नाउ स्टार्ट दिस सॉल्यूशन. वी हैव ट्रायंगल ए बी सी, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी. D is point on AB. D is a point on AB. Now we have BC is 12. BC is 12. DB is 9. CD. We need to merge the C and D. Mix करते हैं. So एक छोटी triangle का सारा dimension मेरे को पता है. Angle BCD. Angle BCD is angle BAC. Again similarity का question because angle है. अगर आप इसको theta मानो तो ये आपका theta होगा. B दोनों में alpha common है. तो अगर मैं similarity लिखूं ABC में, बी अल्फा है, ए थीटा है. छोटे ट्रायंगल में देखो आप, बी आपका अल्फा है, सी थीटा है, डी. सिमिलैरिटी यही है.
अगर आप रेशियो लिखना चाहो तो आप रेशियो लिख सकते हो यहां से, ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, दिस इज सिमिलैरिटी। अब वैल्यूज क्या क्या दिए हुए हैं, जो भी वैल्यूज दिया मैं प्लॉट करता हूं। ए बी इज गिवन, नहीं ए बी तो मेरा नहीं दिया हुआ है। बी सी इज गिवन, यस बी सी 12 दिया हुआ है। बी सी इज गिवन, यस बी सी 12 दिया है। बी डी दिया है, यस बी डी इज द 9। तो मैं इससे यहां से ए बी निकाल सकता हूं, तो मैं ए बी निकालना चाहूंगा। प्लस ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी इज नॉट गिवन। क्या सी डी दिया हुआ है, सी डी इज 6 इज गिवन। तो मैं यहां से ए सी भी निकालूंगा। तो पहले मैं ए बी निकालता हूं, ए बी इज नथिंग बट 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 9, सो दिस वन इज 3, दिस वन इज 3, सो दिस वन इज इंटायर इज 16। ए बी इंटायर 16 हो गया, तो ये मेरा 7 हो गया। अब मैं यहां से निकालता हूं ए सी, ए सी इज नथिंग बट 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 9, डेट इज 72, तो 8, ये आपका हो गया 8। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी का पेरीमीटर चाहिए। सो द पेरीमीटर ऑफ ए डी सी इज नथिंग बट 7 प्लस 6 प्लस 8 इज नथिंग बट 21। नाउ वी वॉन्ट बी डी सी का पेरीमीटर, दैट इज 9 प्लस 12 इज 21, 27, 21 इज टू 27 रेशियो इज नथिंग बट 9, और ये आंसर है। सिमिलैरिटी, क्रिएट द डायग्राम। सिमिलैरिटी अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, या आप थीटा से देख पाते हो तो थीटा से देख पाओ, एंड आंसर को ऑलवेज एग्जाम में करो, बिकॉज सिमिलैरिटी इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल। तो अब मैं चाहता हूं कि दो क्वेश्चन मैंने सिमिलैरिटी का सॉल्व किया था, एक था मेरा साइक्लिक टाइप से दिख रहा था, दूसरा ट्रायंगल विद इन ट्रायंगल दिख रहा था। तो अब इस दोनों के बेस पे आप होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ये रहा आपके पास होमवर्क क्वेश्चन, आई वॉन्ट सॉल्व दोज टू क्वेश्चन एंड उसका आंसर आप कमेंट में पोस्ट करो। सो ये दो क्वेश्चन आपके पास रहे सिमिलैरिटी के, दैट इज सी एच एस एल 2018 के बेस पे, सी कैट 2005 के बेस पे। तो प्लीज सॉल्व दीज टू क्वेश्चन एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पंसर को कमेंट में पोस्ट करो। एंड इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो विद द लर्निंग, गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।